हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे मटर की चाट। ठेले वाले से पूछ कर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बनेंगे। एक बार इस चाट को बना लेंगे तो हर बार आप घर में परफेक्ट चाट बनाना सीख जाएंगे। और इसे दोने में डालकर अगर खाएंगे तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे तो देखते ही आ जाएगा मुँह में पानी। तो चलिए इस रेसिपी को क्यों ना बनाया जाए। रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस चाट को बनाने के लिए लेना है मटर। तो ठेले वाले इसी मटर से छोले बनाते हैं, बहुत काबली चने के भी बनाते हैं, तो इस मटर के ज़्यादा ही छोले बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये 500 ग्राम मटर है जिसे पानी में 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो आसानी से फूल जाएंगे। और इसे फिर धो लेना है, पानी निकाल लेंगे। यहाँ पर लेंगे 4 पीस आलू, और ये बड़े साइज के आलू हैं जिसे छील कर धो लेना है। अब यहाँ पर लेंगे कुकर, या फिर आप कढ़ाई में इसे बना सकते हैं। तो कुकर में बनाएंगे तो बहुत ही झटपट बनेगी। तो कुकर में मटर को डाल देना है, आलू को भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर 2 गिलास डालेंगे पानी, 2 से 3 गिलास पानी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच डालेंगे नमक, तो नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी येलो फूड कलर। तो ठेले वाले जब भी चाट बनाते हैं तो ये फूड कलर का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे चालू। यहाँ पर मैं इंडक्शन में बना रही हूँ। और कुकर का ढक्कन बंद कर इसमें 2 सीटी लगानी है। 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाएं, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएगी। यहाँ पर 2 सीटी लग गए हैं तो अब गैस को कर देंगे बंद। और इसे अब गैस से उतार लिए हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर लेंगे एक डब्बू, या इसे कलछुल भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे डब्बू बोलते हैं। तो डब्बू से देखिए आलू को निकाल लेंगे। आप चाहे तो अलग भी आलू को मैश कर सकते हैं, या फिर कुकर में ही इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। आलू अच्छी तरह से पक गए हैं तो यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट मटर और आलू सीज गए हैं। आप चाहें तो इससे थोड़ा कम भी मटर को पका सकते हैं, लेकिन ठेले वाले चाट जो रहते हैं वो इसी तरह से रहते हैं। तो अब बनाएंगे दोने। तो हमारे यहाँ गांव में जब छोले वाले आते हैं तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ना, तो इसी तरह से दोने में दिया जाता है। मैं बिहार से और झारखंड से भी हूँ, तो यहाँ पर दोने को थोड़ा सा किनारे से मोड़ कर इस तरह से एक टूथपिक या फिर लकड़ी से, कोई पतली सी लकड़ी हो उसे इस तरह से लगा देंगे, पिनअप कर लेंगे। और ये देखिए दोना तैयार है। अब इसे एक कटोरी में रख लेंगे ताकि ये गिरे ना। तो इस तरह से रखने के बाद अब इसमें डालेंगे छोले। तो जितने भी आपको छोले इसमें आ सके उतने डाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 कलछुल आ गए हैं। अब ये देखिए दोने में सर्व करेंगे ना तो बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं इसे। मेरे बच्चे तो बहुत ही च्वाइस से खाते हैं, तो छोला तो सभी को पसंद आता है। और ऊपर से डाल देंगे कटे हुए प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे काला नमक, क्योंकि इसमें नॉर्मल नमक भी डाल चुके हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसमें जीरा, धनिया और लाल मिर्च मिला हुआ रहता है। तो ऊपर से थोड़ा सा सेव डाल देंगे, और इसके ऊपर डाल देंगे इमली का पानी, या फिर इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। और बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़े से अनार का दाना, अगर आपको पसंद है तो डालें, या फिर इसके बगैर भी इसे खा सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी दही डाल देते हैं। और ये लीजिए दोने वाली चाट तैयार है, एकदम ठेले वाले के जैसी। इसे देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और देखने में तो खूबसूरत लगते ही हैं। तो इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, और इसे आप प्लेट में भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। प्लेट में निकाल कर फिर इसके ऊपर बारीक कटे हुए प्याज, धनिया के पत्ते डाल देंगे, फिर थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़े से काला नमक डाल देंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा इमली का पानी डाल देंगे, लाल मिर्च थोड़ा से डाल देंगे इसमें, और इसमें अपने मन मुताबिक तीखा और खट्टा डाल सकते हैं, या फिर नींबू भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके ऊपर थोड़े से अनार दाने डाल देंगे, फिर ऊपर से थोड़ा सा सेव डाल देंगे। तो आप इस छोले को अपने मन मुताबिक कम तीखा, कम खट्टा, या फिर ज़्यादा तीखा स्पाइसी बना सकते हैं। और ये लीजिए एकदम ठेले वाले जैसे चाट तैयार है, बहुत ही झटपट बनेंगे, बहुत ही आसानी से। तो आप
तो एक बार आप इस तरीके से छोले घर में ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।